गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द चैप्टर 7 ऑफ ग्रामर बुक. द नेम ऑफ द चैप्टर इज नाउंस पोजीशन. व्हाट इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर? नाउंस पोजीशन. नाउंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं. वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर्स ऑफ नाउन. व्हाट इज द नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स और एन आइडिया एटसेट्रा. So nouns possession. What is the meaning of possession? Possession means what the things we have. हमारे पास क्या है, ये हमारा possession होता है. What things are belongs to us, belongs to him, belongs to them. वो क्या होता है? Possession होता है. और इन English में हम possession show करने के लिए we use the apostrophe. हम क्या use करते हैं? हम apostrophe का use करते हैं. Apostrophe क्या होता है? Apostrophe is a comma. Apostrophe जो का sign होता है वो एक comma का sign होता है. लाइक दिस आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह कॉमा लगा हुआ है. ओके, और उस कॉमे के बाद हम क्या यूज़ करते हैं? एस. इसका मतलब हो जाता है ये पोजीशन शो करता है किसका है, किसकी है, किसको है, इस तरीके से. सो रिमेंबर दैट थिंग्स वी व्हेन वी हैव टू शो द पोजीशन वी यूज़ अपोस्ट्रोफी एंड एस. ओके, द रूल्स ऑफ यूजेज ऑफ द अपोस्ट्रोफी एस इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी एड एन अपोस्ट्रोफी एंड एस आफ्टर ए नाउन. और हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि नाउन के बाद लगता है, क्योंकि किसी नाउन का ही तो हम पोजीशन बता रहे हैं. नाउन मतलब ये किस किसकी है, जो ओनर है, जो चीज़ का ओनर है, उस ओनर के साथ हम लगाएंगे अपोस्ट्रोफी एस. इट मीन्स डैट जैसे कि मैं बोलूँ कि ये बैग जो है ये राहुल का है, तो मुझे बताना है कि बैग राहुल का है, तो यहाँ पे ओनर कौन है बैग का? राहुल. तो मैं राहुल में अपोस्ट्रोफी एस लगा दूंगी. अपोस्ट्रोफी लगाया देन एस लगाया, फिर हम इसको एक साथ प्रोनंसिएशन करेंगे, राहुल्स बैग, राहुल का बैग. ओके, दैट तो डैट देयर इज़ ए कनेक्शन बिटवीन टू नाउन्स. कि टू नाउन्स के बीच में कनेक्शन होता है, क्योंकि जो बैग है वो भी नाउन है और जिसका है वो भी नाउन है. आपको बस ये ध्यान रखना है जो चीज़ का जो ऑनर है, जो चीज़ जिसकी है, उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ करके दूसरा नाउन लिखेंगे. ओके, द अपोस्ट्रोफी इज एंड रिमेंबर दैट थिंग्स वी यूज़ अपोस्ट्रोफी एज विद अ सिंगुलर नाउन. हम सिंगुलर के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं. समझ में आ रहा है आपको? सिंगुलर यानी कि जो सिंगुलर, जो वन थिंग है, उनके साथ हम सिंगुलर के साथ इसका यूज़ करते हैं. जब When we use only an apostrophe, हम सिर्फ एक apostrophe यानी सिर्फ comma use करेंगे with the plural noun. When we want to show that the something belongs to more than one person, we use only apostrophe यानी we use only comma. Why we use only comma? Because the plural nouns already have the s. जो भी plural nouns होते हैं उनके last में already क्या आता है? s आता है. तो हम उसके आगे डबल एस इस तरीके से नहीं लगा सकते. इट डजेंट सीम गुड एंड डजेंट साउंड गुड. सो हम क्या करते हैं, उसके लास्ट में जो एस होता है उसके बाद ही हम कोमे का यूज़ कर लेते हैं. लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे द गर्ल्स शूज. अब देखिए यहाँ पे जो गर्ल्स है ऑलरेडी प्लूरल है, तो अगर हम गर्ल्स के आगे एक और फिर एस लगा दें तो गर्ल्स सिस्टर्स डजेंट सीम गुड. तो हमने क्या करा, गर्ल्स के बाद सिर्फ एक कोमा लगा दिया. द गर्ल्स शूज आर इन द कबर्ड. ओके, अगर यहाँ पे गर्ल सिंगुलर होता तो हम गर्ल लिख के अपोस्ट्रोफी एस लगाते, बट गर्ल्स प्लूरल है इसलिए हमने प्लूरल में जो एस लगा हुआ है उसी को ही हम रहने देंगे, उसके बाद सिर्फ कोमा लगा देंगे. तो यू मस्ट रिमेंबर दैट थिंग्स. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन्स जो क्या हैं, जिनके लास्ट में एंड में एस आ रहा है, चाहे वो सिंगुलर ही हो. जैसे अब बहुत सारे नेम होते हैं जॉन्स, तो जॉन्स के नाम में ऑलरेडी एस आता है, तो हम डबल एस का यूज़ नहीं करके जॉन्स के नाम के बाद सिर्फ कोमा लगा देंगे. ठीक है, तो ऐसे नाउन जिनके लास्ट में एंड आ रहा है वी यूज़ ओनली ए अपोस्ट्रोफी. जनरली वी यूज़ प्लूरल ओनली, जनरली वी यूज़ अपोस्ट्रोफी विद अ प्लूरल नाउन्स. ओके, एंड लिसन वन मोर थिंग, सम प्लूरल नाउन्स नॉट एंड विद अ एस. कुछ प्लूरल्स होते हैं जिनका एंड जो होता है वो ऐसे नहीं होता. लाइक अ मैन, मैन यानी आदमी, एम ए एन मैन, इसका प्लूरल हम बना देते हैं एम ई एन. तो एम ई एन जब हम लिखेंगे तो उसके आगे हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं. लाइक मैंस शर्ट, द चिल्ड्रंस बुक, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन. अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो चिल्ड्रंस बुक. ओके, व्हेन अ प्लूरल नाउन डज नॉट एंड इन एस, जब कोई प्लूरल नाउन एंड नहीं करता ऐसे, वी हैव टू एड अपोस्ट्रोफी एस टू इट टू शो द पोजीशन. क्लियर दैट थिंग सेट? तो
So we have only three rules in our noun position. First is that we use apostrophe and s with the plural nouns to show the position, to show the connection between the two nouns. Like boys, bat; dogs, bone; birds, nest. Second rule is we use only an apostrophe. हम सिर्फ एक apostrophe use करेंगे to show the position. इसके साथ when noun is plural and end with s, then we use only apostrophe comma. Apostrophe comma लगाएंगे हम क्योंकि उसमें already s होगा. Like girls' shoes. Okay. आपका थर्ड रूल है कि जब कोई प्लूरल नाउन होगा अगर उसका एंड एस से नहीं होगा तो वी हैव टू ऐड एस टू इट टू शो द पोजीशन. हम उसके आगे अपोस्ट्रोफी देन एस दोनों ही लगाएंगे. लाइक चिल्ड्रंस बुक्स, द मैंस शर्ट्स. ओके, अंडरस्टूड दिस एवरीबडी? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस. वी हैव ओनली सिक्स थ्री रूल्स फॉर दिस. ओके, नाउ लुक एट द exercise. Okay, write only the apostrophe with the noun that ending in s to show the position. Bas remember, aapko sirf ye baat yaad rakhni hai ki jiska end, jis noun ka end s se ho raha hai, chahe wo singular hai plural, uske sath aap sirf apostrophe ka use karenge, yani ki upar sirf comma lagayenge, s nahi lagayenge, but jo singular hai ya plural hai jinka ending jo hai s se nahi ho raha hai, usme apostrophe aur s dono lagenge to show the positions. Clear that? Now look at the exercise. Rewrite the groups of words using apostrophe s in the right places one has done for you. New dress of Kavita. अब देखिए ऑनर कौन है ड्रेस का, ड्रेस किसकी है? कविता की, तो क्या बन जाएगा? कविताज न्यू ड्रेस. नेक ऑफ द जिराफ, नेक किसकी है, नेक का ऑनर कौन है? जिराफ, तो हम लिख देंगे जिराफ्स नेक. ओके, स्माइल ऑफ द बेबी, स्माइल किसकी है? बेबी की, तो हम लिख देंगे बेबीज स्माइल. सूट किसका है? फादर का. सूट ऑफ फादर का क्या हो जाएगा? फादर्स सूट. रिंग ऑफ इशिता, यानी इशिताज रिंग. एड्स टू द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स वन हैज डन फॉर यू. देखिए अब जो ब्रैकेट्स में जो नाउन्स है रखे उनमें आपको अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना है. ओके, तो आर नेबर, तो नेबर क्या क्या अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे. नेबर्स लान, ट्री, ट्री लिख कर अपोस्ट्रोफी एस लगेगा. द फेक ट्रीज लीव आर इन बिग इन साइज. Father, father, then apostrophe s. My father's office is in a very tall building. I am afraid of the owl. Owl, then apostrophe in s. Owls hooting. Those are Kabir's gloves. Kabir, then apostrophe s. All are the singular. Look at it. All are the singulars. Add only s. एड अपोस्ट्रोफी एस और ओनली अपोस्ट्रोफी. अब यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा जो सिंगुलर है आपको सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाना होगा, दोनों के बीच में कॉमा का यूज़ करना होगा आपको और कॉमा भी लगाना होगा, यहाँ आपको चूज़ करना है. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रियाज पेंसिल, तो रियाज पेंसिल, पेंसिल के बाद भी एस है और रिया के बाद ओनर कौन है? रिया, तो रिया के नाम के आगे हम यहाँ अपोस्ट्रोफी लगा देंगे लाइक दिस, सिर्फ कॉमा लगेगा. द चिल्ड्रंस, अब देखिए चिल्ड्रंस, अब चिल्ड्रन के बाद कॉमा लग जाएगा. द मैंस, द मैन के बाद कोमा लग जाएगा, एस हैगा. दोज आर माई अंकल्स हाउसेस, तो अंकल के बाद यू एन सी एल ई, अंकल इज अ सिंगुलर आएगा, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा. दोज आर माई अंकल्स हाउसेस, सॉरी अंकल्स है ना यहाँ पे, तो अंकल्स हाउसेस घर, बहुत सारे अंकल, बहुत सारे अंकल ही अंकल के घर हैं उनके, तो अंकल्स के बाद अपोस्ट्रोफी लगेगा. यू एन सी एल ई एस, एस के बाद देन हम कोमा लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी लगाएंगे. There is a cake in grandmother's kitchen. तो grandmother एक है, तो grandmother, mother के बाद apostrophe लग जाएगा और yes हैगा, यहाँ पर आप comma लगा देंगे. Clear that? Everybody clear? Understood this? Now, next देखिए in context, fill in the correct nouns from the brackets to complete this paragraph. Paragraph को complete करना है आपको, choose करना है कि position आएगा या simple nouns आएंगे. The room was lit with, bulbs नहीं आएगा बल्कि क्या आ जाएगा? बल्ब्स प्लूरल. अब यहाँ पे आएगा देखिए टॉम्स, ये आएगा टॉम्स अपोस्ट्रोफी वाला, टॉम सिंगुलर देन अपोस्ट्रोफी. सोम्स फादर वेटेड टू फिक्स मोर बल्ब्स, हाउ एवर द रूम्स वॉल्स वर टू लो.
therefore he decided to light it up with a few candles. Plural वाला candles आएगा, position वाला नहीं. Now his son's room is well. Sons एक son है, तो ये singular वाला son, then apostrophe s वाला. Okay, so ये आपकी book activity भी complete हो गई है. You have to listen the video carefully. If you have any problem, you can consult in our online class. Till then, take care. Bye and have